हेलो दोस्त, कहीं खुशी तो कहीं गम। आरआरबी समस्तीपुर की बात कर रहे हैं, यानी डिवीजन समस्तीपुर की बात कर सकते हैं। आरआरबी रांची और मुजफ्फरपुर और पटना का तो इसमें नाम नहीं लिखा है, हालांकि हम जानते ही हैं कि आरआरबी पटना में भी ये वैकेंसी समस्तीपुर में जाती है, यानी रांची से मुजफ्फरपुर से। तो यहाँ खुशी उन लोगों के लिए है जिनको 3 जुलाई से ज्वाइनिंग के लिए इन्होंने बोल दिया है, यानी 3 जुलाई से पहले पहले आपको जाकर ज्वाइन करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका डिवीजन से पैनल वापस हो गया है, उनको बोल दिया है कि आपका पैनल ECR को भेजा गया है क्योंकि यहाँ वैकेंसी नहीं है, ये ऑफिशियल है। और कुछ लोगों को कहना होता है कि यूट्यूबर का ये काम है, तो दोस्त यूट्यूबर का काम है इन्फॉर्मेशन देना, आरआरबी में जो हो रहा है घटनाएं हम बताते हैं आपको, न कि हम ये बताते हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो इसका इसलिए एनालिसिस हम नहीं कर सकते कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, क्योंकि वो पब्लिक में कभी ओपन नहीं रहता। हम कैसे बता सकते हैं कि समस्तीपुर में कितनी पोस्ट थी और कितनी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा थोड़ा टेक्निकली रूप से। तो चलिए इसको देखेंगे, तो देखने के लिए चलेंगे तो हमारे पास एक स्लाइड आ चुका है। कुछ लोग कहेंगे कि ऑफिशियल है क्या, उनके भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं इसको बता दूं कि इसके टर्म में क्या है। पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर आवश्यक सूचना सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर 1/18 LP टेक्नीशियन ही कह सकते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड रांची और मुजफ्फरपुर, इसमें पटना का नाम नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं केवल रांची और मुजफ्फरपुर का बोल रहा हूँ क्योंकि समस्तीपुर में आपका पटना से भी ECR से कई बार जाती है वैकेंसी के लिए। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि जिनके जो 8/4/2020 को जिनको ज्वाइनिंग करने के लिए बोला गया था कोविड कारण से नहीं हुआ, यानी कोविड-19 के कारण नहीं हुआ, उनको रिपोर्ट करना है आपको 3/7/2020 तक। और उनकी लिस्ट इन्होंने दे दिया है कौन कौन से कैटेगरी का ज्वाइनिंग होगी। तो ध्यान रखिएगा, टेक्नीशियन 3 CNW में 78 कैंडिडेट को, टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल पावर में 6 को, टेक्नीशियन TRD में 9 को, टेक्नीशियन TRD PSI में 1 को, उसके बाद सिग्नल में 5 कैंडिडेट को, टेलीकॉम में 2 कैंडिडेट को और LP में 8 कैंडिडेट को। इतनी की ज्वाइनिंग इशू हो चुकी थी, कितनी 8/4 को। अब इनको 3/7 तक यानी 3 जुलाई तक आपको करना है ज्वाइनिंग की प्रोसेस के लिए, वहाँ अपने सारा दस्तावेज लेके प्रमाण पत्र करना है। तो इसे कहते हैं खुशी, खुशी उनके लिए कि आपकी ज्वाइनिंग आ गई है। और अब बात कर लेते हैं गम का, लेकिन ये गम मेरे तरफ से दिया हुआ नहीं समझ लें, कई लोग ऐसा जैसा कि अभी समझते हैं ये गम रेलवे के दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इस गम की बात करेंगे तो इसमें देखिए LP की ही है, 97 लोगों को भेजा है, बोला कि यहाँ कोई भर्ती नहीं है जिसके कारण से इस सूचना को हाजीपुर भेजा गया है। दूसरा टेक्नीशियन 3 फीटर मैकेनिकल में 35 लोगों को भेजा गया है, लेकिन उसमें से 8 ही लोगों को ये देंगे, बाकी 27 लोगों को वापस भेजे हैं। अब उसके बाद अगला तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे टेक्नीशियन 3 ट्रेन लाइटिंग, जिसमें 20 में से किसी को नहीं दे रहे हैं। टेक्नीशियन 3 डीजल मैकेनिक 22 में से किसी को नहीं दे रहे हैं। टेक्नीशियन 3 सिग्नल एंड टेलकॉम 23 लोगों में से सबको पीर से भेजा गया है। और मंडल द्वारा अच्छा ध्यान देने वाले हैं, इन किसी को दे नहीं रहे हैं इसके बारे में बोले हैं कि मंडल द्वारा नियुक्ति और प्रशिक्षण संबंधी प्रक्रिया की जा रही है, निर्धारित सूचना के बाद आपको आगे प्रसारित की जाएगी, यानी आगे बताया जाएगा आपकी कि नेक्स्ट ज्वाइनिंग क्या होगा। तो ये वाला सेक्शन क्या है, न्यूट्रल है, ये दो सेक्शन गम का है और ऊपर में खुशी का है। तो देखिए LP की वैकेंसी 97 कोई मायने नहीं रहती, किसी कैंडिडेट को गम में नहीं डूबना चाहिए। अगर आपको समस्तीपुर में नहीं मिलता तो कोई और दूसरे अल्टरनेटिव में देगा, ये RRB से हो सकती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी या और जो भी कारण है। तो ध्यान रखिए रेलवे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से हम सोचना हमारी ख़त्म होती है ना, हम जहाँ तक सोचते हैं आप जहाँ सब ख़त्म होती है वहाँ से रेलवे का सोचना शुरू होता है। हाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक है, इसको सुधार कर लेगा और सुधार होगा तो आपको दूसरे डिवीज़न में हो सकता है मिलेगा, लेकिन ऑफिशियल का हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो ये आपका LP और टेक्नीशियन के लिए, इसके लिए घबराइएगा नहीं। लेकिन एक कुछ लोग कहेंगे कि ऑफिशियल क्या है, तो यहाँ नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई जानकारी चाहिए जिन कैंडिडेट को इनसे जानकारी संबंधित, ये नंबर दिया हुआ है साथ में नीचे में देखिए। हालांकि नंबर पर कई लोग कहते हैं कि सही जवाब नहीं मिलता, तो दोस्त अगर आपको सही जवाब पाना है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, शांति से पूछिएगा। कई जगह क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा कॉल जाने लगा तो कोई नंबर पर रिस्पॉन्स थोड़ा सा गलत हो जाती है, तो समस्तीपुर का। अब कुछ लोग ऑफिशियल के सवाल उठाएंगे कि क्या ऑफिशियल है क्या, तो चलिए वेबसाइट पर ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना वेबसाइट के तो हम सही भी नहीं मानते, और ऑफिशियल डाटा तो ऑफिशियल है। तो यहाँ देखिए एक बार देखिए,
इम्पोर्टेंट नोटिस रिपोर्टिंग फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट 1/18 RRB रांची मुजफ्फरपुर डेटेड 3/6/20 यही नोटिस है। इस नोटिस को अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इस सेंट्रल रेलवे की डिविजनल वेबसाइट पे ये पड़ा हुआ है और ये डिटेल है इनकी। तो कह दें कि अभी भी खुशी और गम का सिलसिला चल रहा है और कुछ लोग रेलवे लाइफ को बोलते हैं कि रेलवे लाइफ चैनल है वही ऐसा करता है, तो दोस्त गड़बड़ी है आपकी सोच में, उसको डिफरेंस कीजिए, सही कीजिए, क्योंकि ये सारी प्रोसेस RRB का है, हम केवल एक माध्यम है जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।